नवरात्र में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। कन्या पूजन को कंजक पूजन या कुमारिका पूजन भी कहा जाता है। देवी पूजन के इन दिनों में भक्तों का ध्यान पूजन करने के लिए नौ कन्याओं को एकत्रित करने में भी होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि देवी पूजन के साथ कन्या पूजन आखिर क्यों किया जाता है? पुराणों में इसके पीछे क्या कहानी है? सबसे पहले ये पूजन किसने किया था और आखिर ये ध्यानु भगत कौन है? आज हम आपको ये सारी जानकारियां इस वीडियो में बताएंगे। नमस्ते, मैं पूनम हूँ और आप हैं मंच पर। कन्या पूजन को लेकर भक्तों में कई तरह की मान्यताएं हैं। इसमें दो कहानियां सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। आइए आपको इन दोनों मान्यताओं के बारे में बताते हैं। पहली मान्यता देवी पुराण से जुड़ी है। इस मान्यता के तहत माना जाता है कि देवराज इंद्र ने ब्रह्मा से भगवती देवी को प्रसन्न करने का उपाय पूछा था। इस पर ब्रह्मा जी ने देवी को प्रसन्न करने का उपाय कुमारी पूजन के रूप में बताया था। इसलिए तभी से नवरात्रों में देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए कन्या पूजन का विधान किया जाता है। दूसरी मान्यता एक कहानी के रूप में पूजन से जुड़ी है। इसके अनुसार भक्त ध्यानु भगत की ओर से सबसे पहले देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए शक्ति पूजन किया गया था। शक्ति के रूप में उन्होंने कन्याओं का पूजन किया था। इस पूजन में काल भैरव भी आए थे, इसलिए पूजन में विषम संख्या में कन्याओं के साथ बाल भैरव के रूप में बालक को भी पूजा जाता है। अब आपको बताते हैं, अगर आप किसी वजह से कन्या पूजन नहीं कर पाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? कन्या पूजन ना कर पाने वाले भक्त मंदिर में भोजन दान कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है, इससे कन्या पूजन पूर्ण माना जाता है। इसी के साथ ये जानना भी जरूरी है कि कन्या पूजन के लिए किन सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए। कन्याओं को किसी भी तरह का बासी भोजन नहीं कराना चाहिए। कन्या पूजन बगैर बालक के अधूरा माना जाता है। पूजन में कन्याओं की संख्या हमेशा विषम होनी चाहिए। कन्याओं के पैर धोते समय हमेशा साफ जल का प्रयोग करें। पैर पोछने के लिए भी साफ कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। कन्या को परोसे गए भोजन में तेज नमक या मिर्च नहीं होनी चाहिए। हलवा, चना व पूड़ी का भोग सर्वोत्तम माना गया है। कन्याओं को हमेशा आसन पर बिठाना चाहिए। बैठी हुई कन्या का मुख दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। इस स्टोरी को आपके लिए तैयार किया है हमारे साथी राजीव ने। नवरात्र में कन्या पूजन घर घर में होता है। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने से जुड़े लोगों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।